सोसाइटीज, देश में प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई घटना होती है तो एक दूसरे पे ब्लेम हम करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर कोई घटना होती है तो जैसे मान लीजिए अगर स्कूल में अगर अगर किसी की किसी बच्चे को कोई हर्ट होता है या कोई अगर लॉस होता है तो हमें एक अकाउंटेबिलिटी होती है कि फला आदमी को हमें पकड़ना है वहाँ पे। तो उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए कि अगर पर्टिकुलर वजह से अगर अगर ये घटना हुई है तो उसके खिलाफ जो है जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं एक एक उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेक्सस है कोचिंग इंडस्ट्रीज, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस यहाँ पर 500 रुपये का हफ्ता लेकर के लाइब्रेरी चला रही है। मैं जिस लाइब्रेरी में था वहाँ पर पुलिस 500 रुपये का हफ्ता उसका फिक्स था कि महीने 500 रुपये उसको देने हैं। तो बेसमेंट पर लाइब्रेरी चल रही है उसमें कोई एक स्टेक होल्डर नहीं है, सारे स्टेक होल्डर इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, तो सबको रिस्पॉन्सिबल ठहरा करके उस पर कार्यवाही होनी जरूरी है। इस तस्वीर को देख करके समझ ही गए होंगे कि दिल्ली की राजधानी पर पहुंचने पर यहां पर लोग हजारों सपनों को लेकर के यहां पर आते हैं और वो सपने शायद किसी से छूते नहीं। यही आईएएस यूपीएससी की तैयारी करने वाले लाखों छात्र आज दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर पर पिछले 5 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं। वी वॉन्ट जस्टिस के लगातार नारे लग रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर भीड़ की बात की जाए तो आज देख सकते हैं कि जो देश का भविष्य है किस तरीके से यूँ सड़कों पर उतरा है और डिमांड है कि हमें वो न्याय चाहिए जो 27 जुलाई को घटना घटी है। देखिए लगातार ये सारी चीज़ों को लेकर के कई सारे तथ्य खुलते आए, परत खुलते आए, सिस्टम से लेकर के जो है हर किसी पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ। हर किसी ने एक दूसरे पर इस पूरी घटना का जो है माथा फोड़ने की तनिक भी देर नहीं लगाई। किसकी गलती, सबने अपने हाथ खड़े कर दिए, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स हो चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर आने के बाद केवल एक खुलासा नहीं होता, यहाँ पर आने के बाद वो तमाम खुलासे होते हैं कि जो बच्चा बाहर से पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आ रहा है, लाखों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी जी कैसे रहा है। आपने तमाम चैनल्स में देखा होगा कि किस तरीके से ये बच्चे जो हैं वहाँ पर रह रहे हैं और किस तरीके से अपना पालन पोषण कर रहे हैं। 2x2 का कमरा और उसके हज़ारों रेट, और जब से यहाँ पर चीज़ें सील की गई हैं बेसमेंट की और उसके बाद उससे लगातार जो चीज़ें हैं वो और दर पे दर बढ़ती गई, यानी कि महंगी पे महंगी होती है। तो यकीनन जो पूरी तरीके से एक सिस्टम का फेलियर जो यहाँ पर देखा जा रहा है उसमें कोई भी कोताही बरतने की ज़रूरत नहीं की गई है, वो सारी चीज़ें जो है बराबर से देखी जा रही है। लेकिन अब इसको किस तरीके से लोग देख रहे हैं और क्या वाकई उस पर चीज़ों पर बदलाव होना चाहिए, बदलाव होगा, होगा भी तो किस तरीके से होगा, इसी पर ही चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, लगातार 5 से 6 दिन बीत चुके हैं, कुछ हल? देखिए अभी तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कल आतिशी जी आई थी तो उन्होंने अनाउंस किया कुछ मेजर्स जो है जैसे रेगुलेशन का जो है कोचिंग इंस्टीट्यूशन का और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और बाकी यहाँ के एमएलए साहब ने भी अनाउंस किया कि एक पब्लिक लाइब्रेरी हम अनाउंस करेंगे, सीलिंग कर रहे हैं जो भी बेसमेंट में है, तो ये तो पॉजिटिव स्टेप्स हैं, ठीक है। बट जो मेजर इश्यूज़ ये है कि हमें एक सिस्टमेटिक बदलाव लेना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं फिर ना हो, क्योंकि इनोसेंट लाइफ और खास करके वैल्यूएबल लाइफ जो है लॉस होती है, ठीक है। तो ये ना केवल देश के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए जो है काफ़ी नुकसानदायक है। वो तो एक घटना हो गई, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं लोगों से बात करते हैं तो बहुत चीज़ें ऐसी भी पता चलती हैं कि जो बच्चा बाहर से दूसरे राज्यों से आकर के यहाँ पर किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है, 2x2 का कमरा रहता है और उसके रेट इतने हाई हो जाते हैं, और अगर उसके खिलाफ कुछ बोलता है तो ओनर की तरफ से भी धमकाया जाता है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी कि रेंट ओनर जो है चूँकि एक्सेसिव डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच है तो इसका फ़ायदा कुछ लोग उठाते हैं, ठीक है। और ये इस पर रेगुलेशन गवर्नमेंट को लाना चाहिए कि जो बाहर से दूर से स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास लिमिटेड बजट होता है और तैयारी करना चाहते हैं तो एक स्मूथ अफेयर होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि उन्होंने कल मैडम ने अनाउंस किया था कि एक हम ग्रीवेंस रिडिसल ऑफिस बनाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, तो ये अच्छा वेलकम स्टेप है और हम ये आशा करते हैं कि ये लोग ग्राउंड पे भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। क्योंकि जब तक चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उसका कोई खास मतलब नहीं निकलेगा, और नेचुरली स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से लॉस किया है वो तो जो जिन लोगों के बच्चे लॉस करते हैं वही उसका जो है दर्द बेहतर समझ सकते हैं, ठीक है। बट ये है कि हम लोग आए हैं, हम लोग ये सपोर्ट करते हैं कि जो भी मांगे हैं जेन्यून है एंड वी फॉर्मली स्टैंड विद देम, ठीक है। और गवर्नमेंट भी बात कर रही है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और एमसीडी ने भी हम लोग देख रहे हैं कि अगल बगल काफ़ी एक्शन लेना शुरू किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर पहले होता तो उन तीनों की जान बचा। नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये पहले होना चाहिए, क्योंकि देखिए दो प्रमुख पार्टियां हैं, एक पार्टी कह रही है कि एलजी साहब ने पूरा जो है अपने हाथ में ले लिया है, ठीक है, ट्रांसफर पोस्टिंग का, तो ये भी एक एक मुद्दा है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि चाहे एलजी हो या एमसीडी हो, जो भी हो,
ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कि नॉर्मल लोगों की लाइफ पे उसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़े और लोगों को ट्रैजिक तरीके से डेथ हो, क्योंकि अभी आप देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक्यूशन के वजह से एक स्टूडेंट की बहुत ही ट्रैजिक डेथ हो गई और उसके बाद भी दो तीन स्टूडेंट्स की डेथ हो गई थी, शायद वो दूध लेने जा रहे थे, या उसके पहले भी हम लोगों ने समय समय पर देखा है कि बेसिकली जो तार है थोड़ी सी बरसात हो जाती है तो बहुत खतरा होता है कि तार गिर जाए, तो अगर गवर्नमेंट जो है इन तारों को ऐसी व्यवस्था बनाए या तो अंडरग्राउंड के माध्यम से करें वो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देखिए अक्सर समटाइम्स क्या होता है कि बहुत तेज अगर आधी तूफान आती है तो तार टूट जाते हैं, तो किसी की भी डेथ हो सकती है। मैं भी एक दो बार मिरेकुलसली बचा हूँ, तो मेरा तो ये रहा है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है और ये तार को जो खुले तार हैं इसको गवर्नमेंट को ये स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए कि जब भी कोई अगर कोई आधी तूफान आ जाए तो एक प्रकार की एक कमेटी होनी चाहिए जो विजिट करके ये देखे कहीं कहीं तार तो नहीं गिरे हुए हैं, जैसे कि किसी को एक्सीडेंटली उसकी चपेट में आ जाए, कोई बच्चा हो या जानवर हो या इंसान हो, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली तो ये ऐसा ही हुआ जो है, ठीक है, तो ये करना चाहिए, इनको अंडरग्राउंड करना चाहिए जितना जल्दी हो सके, वो तभी सलूशन है। बाकी तो देखिए जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं जिन्होंने डीसिल्टिंग नहीं की है, ठीक है, उनके खिलाफ तो स्ट्रिक्ट एक्शन ही लेना चाहिए, ठीक है, और ये एक इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। इस देश में प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई घटना होती है तो एक दूसरे पर ब्लेम हम करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर कोई घटना होती है तो जैसे मान लीजिए अगर स्कूल में अगर किसी बच्चे को कोई हर्ट होता है या कोई अगर लॉस होता है तो हम एक अकाउंटेबिलिटी होती है कि फला आदमी को हमें पकड़ना है वहाँ पे, तो उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए कि अगर पर्टिकुलर वजह से अगर ये घटना हुई है तो उसके खिलाफ जो है जो लोग भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं एक उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक्शन की मांग है और इसी के साथ ही साथ मैं खुद ये जानना चाहूँगी कि देखिए सिस्टम का फेलियर देखेंगे या शिक्षा के नाम पर जो व्यापार, किसकी खामी है इन सारी चीज़ों में? कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसके पीछे एक वजह नहीं होती और ये मल्टीपल चीज़ों का फेलियर है। एक तो इंटेंशन का सबसे बड़ा सवाल है और इंटेंशन में ही सारी चीज़ें कवर होती हैं, क्योंकि सिस्टम को भी देखना होगा कि सिस्टम का इंटेंशन क्या है। अगर सिस्टम का इंटेंशन ठीक होता तो अब तक हमको रिलीफ मिल गई होती। आपने देखा कि सेकेंड टाइम ये कंसर्न क्रिएट हो रहा है और फिर भी अभी चीज़ें वैसी हैं, केवल ऊपर से लीपापोती की जा रही है। और इसके साथ साथ जो कैपिटलिस्ट का अप्रोच है या आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो बात कर रही हैं या कोचिंग माफियाओं की बात है, तो वो डेफिनेटली अंडरस्टूड है ही। जब हमारे पास चार रिजल्ट हो रहा है, दो रिजल्ट हो रहा है और उसकी अकाउंटेबिलिटी हम ले रहे हैं, तो जो हमसे 400 करोड़ कमा रहे हैं क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ नहीं बनती है कि उन बच्चों के को एड्रेस? साथ ही साथ सुनने में आ रहा है कि अब एक ऐसा मेगा प्लान तैयार हो रहा है कि जो ये कोचिंग के हब हैं इन सारी चीज़ों में जब यहाँ हादसे हो रहे हैं तो इसको शिफ्ट करके रोहनी और नरूला साइड कर दिया जाए, तो ये जायज़ है क्या? ये सॉल्यूशन है? देखिए एक ये पार्शियल सॉल्यूशन डेफिनेटली है, ताकि एक पर्टिकुलर एरिया में ऐसी जगह जहाँ थोड़ा सा ओपन हो, लेकिन वहाँ कई तरीके कंसर्न्स हैं, वो एरिया इस तरीके के नहीं है जो बहुत सिक्योर हैं, तो वो हमको वहाँ सिक्योरिटी मिले, पब्लिक जो हमें एक्सेस मिलना चाहिए वो मिले, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर मिले, पब्लिक लाइब्रेरी मिले, और कहीं इसी तरीके का एक्सेस वहाँ ना इस्टेब्लिश हो जाए, इसको भी देखते हुए हमें चीज़ों को रखने की ज़रूरत है। तीसरा, फी कैप के ऊपर आपने कोई बात नहीं करी, क्यों नहीं करी? अगर डे बाई डे बेसिस पे फी बढ़ेगी या रेंट बढ़ेगा तो भी तो हमारे लिए सेम चैलेंज होगा, लोकेशन हम केवल चेंज कर रहे हैं, तो केवल लोकेशन से नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को हमको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और इन सारी चीज़ों में एक मेन बात जो ये है कि हमारे पास कोई भी इमीडिएट ग्रीवांसेस रेड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। अभी हमें ज़रूरत है, अभी कोई दिक्कत आ जा रही है तो हम किसके पास जाएं? अगर स्टूडेंट एरिया है और उस स्टूडेंट की वजह से उस एरिया की इकॉनमी बेहतर हो रही है, लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो रही है, तो उसका एडवांटेज भी तो हमको मिलना चाहिए। वो चीज़ें अभी तक मिसिंग है, ना गवर्नमेंट इस बात को लेकर बात कर रही है, ना ही हमारे और साथी इस बात को लेकर कह रहे हैं, बट दिस इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, क्या लग रहा है कि कुछ रिजल्ट निकलेगा? क्योंकि अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि देश का दुर्भाग्य है कि देश का भविष्य आज यहाँ सड़कों पर उतर आया है। दुर्भाग्य तो 100% है, लेकिन सॉल्यूशन का तो मुझे नहीं लग रहा इतना जल्दी सॉल्यूशन हो पाएगा, क्योंकि अभी तक डेलीगेशन लेकर के एलजी के पास लोग गए थे लेकिन रिटर्न में अभी तक कुछ दिया नहीं गया है और यहाँ पर धीरे धीरे प्रोटेस्ट भी वीक हो रहा है। मुझे नहीं लग रहा अभी इतने जल्दी सॉल्यूशन मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा नेक्सस है, कोचिंग इंडस्ट्रीज, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस यहाँ पर 500 रुपये का हफ्ता लेकर के लाइब्रेरी चला रही है। मैं जिस लाइब्रेरी में था वहाँ पर पुलिस 500 रुपये का हफ्ता उसका फिक्स था कि महीने 500 रुपये उसको देना है, तो बेसमेंट पर लाइब्रेरी चल रही है, उसमें कोई एक स्टेक होल्डर नहीं है, सारे स्टेक होल्डर इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, तो सबको रिस्पॉन्सिबल ठहरा करके उस पर कार्यवाही होनी जरूरी है। जब एक व्यक्ति बाहर से आकर के यहाँ पर अपने सपनों की तैयारी करता है तो किन किन सेक्रीफाइसों उसको झेल रहा होता है? केवल क्या ये कोचिंग सेंटर्स वाले या घर के भीतर भी? सर सब सेक्रीफाइसेस ही है, स्ट्रगल ही है, और स्ट्रगल में जब ऐसे जब दिक्कत होती है ना तब जब पता चलता है कि भाई बच्चे घर है क्या,
यहाँ बच्चे आते हैं अपने माँ बाप, रोज माँ बाप का कॉल आता है कि भाई क्या कर रहे हो, खाया पिया कि नहीं है आपने, मतलब अभी तो ऐसा भी आना है कि आप ठीक हो कि नहीं हो, वापस आ जाओ। कई सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे भी जो वापस चले गए, वापस चले गए क्यों? बस ये डर के वजह से, क्या होगा जाने, तो ये हादसा हुआ इसके बाद। हाँ, इसके बाद। और कल भी आप देख पाओगे कि यहाँ पर भी पूरा पानी हो गया था। हाँ। कि वीडियो भी यहाँ से निकले कि अभी यहाँ से बेसमेंट से अंदर वीडियो जा रहे हैं। सुनने में आया है कि एक इंस्टेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट अपने ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ है, अब वो उसका ना अभी जाँच पड़ताल चल रहा है, इट इज़ नॉट कंक्लूसिव किधर हुआ है, कौन सा एरिया है, लेकिन देर वॉज ए शॉर्ट सर्किट ड्यू टू हैवी रेन एज सच। तो देखिए जो डिमांड है और डिमांड के साथ जो जो यहाँ पर दिक्कतें अभी भी हो रही हैं वर्तमान समय में, अगर इसको लेकर के अभी भी सरकारें सिस्टम नहीं जागते तो यकीनन ये देश के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं ये आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर, वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ आस्था तिवारी।